अब देखिए अगला जो प्रगुण दिया है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि अगला प्रगुण क्या होता है, वो क्या है, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। सिर्फ दिया हुआ है चौथा दिन क्या है, हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो दिया हुआ क्या है कि सभी ऋणात्मक संख्याओं के घन क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ये सब देख रहे होंगे कि माइनस यहाँ पर लिए और उसका घन किए तो क्या मिला, माइनस किया। अब क्या है, माइनस का घन किए क्या मिला, माइनस मिला। यहाँ भी माइनस है उसका घन किए क्या मिला, माइनस मिला। यहाँ भी क्या लिए घन माइनस लिए सिंह क्या मिला, माइनस मिला। बाकी घन क्या है आप खुद कर लेंगे, पढ़ा चुके हैं। अब यह पांचवा, तो पांचवा क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं का घन हमेशा क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं होता है। अब देखिए इसमें जीरो क्या किए हैं, अब यहाँ पर हम जीरो ले लेंगे। अगर यहाँ जीरो लेते हैं क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जीरो क्या होता है, प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, हमेशा कहाँ स्टार्ट होता है, एक ही स्टार्ट होता है। और जहां तक आप गिनती लिखते हैं वहां तक क्या होता है, वहां तक यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को लिखा जाता है। अब इसे दो दिया हुआ है, दो का क्यों कितना हो गया, आठ हो गया। दो भी क्या है प्राकृतिक संख्या है, आठ भी क्या है प्राकृतिक संख्या है, छह भी क्या है प्राकृतिक संख्या है। देखिए इसका जो निकाल है घन वो भी क्या है प्राकृतिक संख्या है, इससे क्या है बीस। अब देखिए दो के बाद जीरो हो सकता है, लेकिन दो के पहले जीरो क्या हो सकता है, जीरो नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, टू जीरो हो गया, इसका घन क्या मिला, 8000 मिला। देखिए क्या है प्राकृतिक संख्या है, 12000 का घन करेंगे क्या मिलेगा, 1728 मिलेगा, ये भी क्या है प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए अब दिया है अगला, अगला क्या कह रहा है कि संख्या में दिया हुआ है, संख्या दिया है जीरो दिया है, फिर वन दिया है, फोर दिया है, फाइव दिया है, सिक्स दिया है, नाइन दिया है, यानी कहने का क्या है जो संख्या दी हुई है अगर हम क्या करेंगे इसका घन करेंगे, जब इसका घन करेंगे तो संख्या क्या मिलेगी, जो संख्याएं हम लिए हैं लास्ट में क्या मिलेंगी, वही संख्याएं मिलेंगी। जैसे देखिए हम लिए जीरो, क्या लिया जीरो, तो इसका घन किए तो क्या मिला जीरो मिला, क्या मिला जीरो मिला। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है इकाई, इकाई आपको मालूम है यहाँ पर इकाई क्या होगा जीरो होगा, इसका इकाई क्या मिला घन करने पर जीरो मिला, इकाई यहाँ पर क्या है वन है, इसका घन करेंगे तो इकाई में क्या मिला वन मिला। यहाँ देखिए फोर लिए हम, यहाँ पर क्या मिला फोर मिला, यहाँ पर लिए फाइव लिए हम इकाई का, क्या मिला उसका घन फाइव मिला, यहाँ पर क्या लिए नाइन लिए उसका घन क्या मिला नाइन मिला, यहाँ पर इकाई क्या लिए सिक्स लिए उसका घन क्या किए सिक्स मिला, यहाँ पर क्या लिए सिक्स लिए उसका घन क्या मिला सिक्स मिला। कहने का क्या है जो संख्या वही संख्या दी रहे जीरो वन फोर फाइव सिक्स नाइन, अगर उसका घन करते हैं तो जो संख्या इकाई में होती है वही संख्या आपको मिलती है। तो अभी आपको ध्यान रखना है, और पहले इसके अलावा दो भी छुटा हुआ है, यहाँ पर दो नहीं लिखा हुआ है, तीन नहीं लिखा हुआ है, सेवन नहीं लिखा हुआ है, एट नहीं लिखा हुआ है, परेशान नहीं होना है, इसके आगे पढ़ाएंगे आपको कि जब टू दिया, जब टू दिया रहेगा, थ्री दिया रहेगा, सेवन दिया रहेगा और एट दिया रहेगा तब क्या मिलेगा, तो आपको इतना ध्यान रखना है। अब अगला देखिए अगला क्या होता है, अब देखिए दिया हुआ है सेवन, सेवन क्या कह रहा है कि जो अंक होता है क्या दिया है दो और आठ दिया है, तो जब क्या करेंगे ऐसा ही बनाते हैं उसमें क्या होता है दो को धन करेंगे ना, तो उसका किस पर समाप्त होगा आठ पर होगा, अगर आठ धन रहेगा तो किस पर समाप्त होगा दो पर समाप्त होगा। इसे दिया हुआ है ट्वेल्व दिया है, तो ट्वेल्व का क्यूब करेंगे हम तो कितना मिलेगा 1728 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि दो का धन, अब क्या है यहाँ पर ट्वेल्व में क्या है टू है, उसका धन किस पर समाप्त हो रहा है एक पर समाप्त हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है 18, तो 18 जब क्यूब कर रहे हैं तो समाप्त किस पर हो रहा है दो पर हो रहा है, वही नियम भी आपको कह रहा है अगर संख्या क्या रहेगा अगर अंक दो रहेगा तो उसका क्यूब करेंगे तो किस पर समाप्त होगा एक पर होगा, अगर यहाँ पर एक रहेगा उसका क्यूब करेंगे तो किस पर समाप्त होगा दो पर समाप्त होगा। अब अगला क्या कह रहा है, अगला जो है वो कह रहा है कि अंक तीन और सात भी क्या है ऐसा युग बनाते हैं इसके अंक क्या अगर तीन का धन करेंगे यहाँ पर क्या है अगर लास्ट में तीन लेंगे इकाई संख्या उसका धन करेंगे तो क्या मिलेगा सात मिलेगा, अगर सात लेंगे उसका धन करेंगे अंक किस पर मिलेगा तीन पर
समाप्त होता है। देखिए ये दिया है 13, तो 13 ने क्या दिया, 3 दिया है, जब क्या करेंगे 13 का क्यूब करेंगे ना तो क्या मिलेगा 21, 97 मिलेगा। अब देखिए हम क्या लिए थे, 3 लिए थे लेकिन क्या मिला लास्ट में 7 मिला, यहाँ पर क्या लिए 17 लिए, 17 क्यूब किए हम कितना मिला 4913 मिला, 7 लिए थे यहाँ पर क्या मिला 3 मिला। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगला देखिए दिया हुआ है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, ये आपको सूत्र याद रखना है कि हम क्या लेते हैं कोई संख्या n लेते हैं, अब क्या लेंगे n से एक से एक अधिक लेंगे, देखा हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा, अब क्या करेंगे बटे 2 कर देंगे और इसकी पावर अब क्या पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, देख क्या करते हैं एक हमेशा कम लेते हैं, देखा हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्यूब से क्या होता है हमेशा एक पावर कम लेते हैं, तो घन क्या होता है 3 होता है और 3 में 1 घटाएंगे यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, तो क्या करते हैं ये सूत्र आपको याद रखना है। अब देखते हैं इसका उदाहरण कौन कौन सा होते हैं, देखिए दिया हुआ है कि प्रथम यम तो हमें ध्यान रखिए प्रथम यम होना चाहिए, अब दिया है n बराबर 2 ले लेंगे, जब 2 ले लेंगे हम स्टार्ट किससे करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, देखिए 1 की पावर 3 दिया है और 2 की पावर 3 दिया है, क्यों क्योंकि n बराबर कहां सकते हैं 2 लिए हम, 1 की पावर क्यों करेंगे यहां पर क्या आएगा 1 आएगा, अब 2 की पावर 3 करेंगे यहां पर क्या आएगा 8 आएगा, दोनों को जोड़ देंगे यहां पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब क्या करते हैं अब फार्मूला भी आपके पास है कि फार्मूला कैलकुलेट करेंगे हम, तो यहां पर क्या हो गया 2 लिए हम हो जाएगा 2 हो गया और 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा अपान 2, 2 क्या होता है आपका फार्मूला ही होता है 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, अब बचा 3 तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसी तरह लेते हैं 4 जब 4 लेंगे ना 4 देखिए क्या हो जाएगा, जब लेते हैं 4 n बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो अब क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे हम इसको लेके बताया था तो बताया था तो क्या लिए 1 लिए थे हम तो क्यों क्या हो जाता यहाँ पर घन लेंगे हम यहाँ पर वर्ग नहीं लेंगे हम, ये
गलती आपने करना है। और सब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ वन कर देते हैं, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ध्यान रखना क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा, फिर इसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। तो इस वजह से क्या हुआ, आपका जो प्रश्न होता है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो जितना आपको हम क्वेश्चन करवाते हैं या यहाँ पर समझाते हैं, उसको घर पे जाकर के प्रैक्टिस की जाती है। जब प्रैक्टिस करेंगे आप तो वो सवाल क्या हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक, तो आ जाएगा। थैंक यू।